Hi everyone, welcome back to my channel. Namaste, and this is my video for the my NutriFit series. और आई नो मैंने इस सीरीज़ में बहुत टाइम हो गया कोई वीडियो नहीं बनाई है. आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू विद माई ओल्ड पिक्चर्स एंड आई सॉ माई सेल्फ देयर एंड आई रियलाइज आई वॉज फैट. ऑब्वियसली आई वॉज लाइक फैट इन टोटल, बट आई यूज टू हैव लाइक रियली बिग फेस एज वेल, एंड नाउ आई हैव लाइक रियली नाइस एंड टोन्ड अप चिजल्ड फेस. थैंक गॉड, टच वुड. सो आई थॉट ओके लेट्स डू अ वीडियो ऑन इट, दैट हाउ यू कैन अचीव a slimmer face and how you can lose your face fat. So let's get started. So first of all baat karte hain ki face fat hota kyun hai. Well face fat basically जैसे कि आपके नॉर्मल बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है, उस तरह आपके फेस में भी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है. इफ़ यू आर हैविंग मच मोर कैलोरीज देन यू आर बर्निंग, तो आपका कहीं ना कहीं जो फैट है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. कई लोगों पे सबसे पहले फेस पे फैट आना स्टार्ट होता है एंड देन टू अदर बॉडी पार्ट्स, और कई लोगों के पहले दूसरे बॉडी पार्ट्स पे फैट आना स्टार्ट होता है एंड इवेंचुअली इट कम्स ऑन फेस. सो आई वाज अ पर्सन जिसका फेस पे इफेक्ट बहुत लेट होता है, बट आई वाज लाइक सो ओवरवेट कि मेरा फेस बाद में भरना शुरू हो गया, विच वाज लाइक आई डिडंट रियलाइज दैट मच उस टाइम पे कि आई वाज गेटिंग फैट अंटिल आई वेड माई सेल्फ आफ्टर सो लॉन्ग एंड आई वाज लाइक ओ शिट आई एम सो overweight. And उस time पर I was not even a nutrition student, so इतनी realization नहीं थी. But when I realized that I am overweight and I enrolled myself into my post graduation in nutrition and dietetics, so I thought okay, I should do something about my weight, something about the way I look, and I wanted to be healthy. So basically face fat आपका normally फैट होता है जो आपके फेस पे लगता है. सेकेंडली कई लोगों का फेस वैसे भी फूला फूला लगता है बिकॉज ऑफ द वाटर रिटेंशन. यस, बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जिनको थायराइड है या फिर वो किसी भी हार्मोनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं लाइक PCOD, इस तरह की कोई अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो वाटर रिटेंशन होनी बहुत नॉर्मल सी बात है. कई लोगों के टमी एरिया पे भी वाटर रिटेंशन काफ़ी रहती है, बट कई लोगों के फेस पे भी वाटर रिटेंशन आती है. सो ये थे कुछ फैक्टर्स कि आपके फेस पे फैट होता क्यों है, क्यों आपका फेस इतना भरा भरा और फूला फूला लगता है. नाउ लेट्स कम हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ इट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड स्टार्ट लूजिंग वेट ओवरऑल. यस, बहुत नॉर्मल सी बात है कि you know it's very very difficult to lose weight or you know just from a target area, but jab aap exercise karna start karenge, weight loss karna start karoge, overall aapki body mein se fat chhatna shuru hoga. So jo jahan bhi aapke fat deposit hai wahan se fat hatna shuru ho jayega, because aap calories zyada burn karenge to obviously body ko energy chahiye kahin se, aur wo energy aapki fat se aayegi jo ki fat deposit hua hua hai. Overall agar aap weight loss karenge to definitely aapke face pe farak padega. So pehla suggestion main yahi dungi ki start working out and eat less than you burn, and burn more and eat less, ek hi baat hai. So aapko apni calorie intake kam karni hai basically, as in agar aap calories zyada kha rahe hain aur burn nahi kar rahe hain to start having less calories if you don't want to burn them. But if you still want to have like a healthy calorie diet, then start burning them, start burning it with exercise. So that's number one, start workout. So let's just jump on to the second point. So the second point is start doing facial exercises, and the best way to do is chewing gum. आई नो इट्स साउंड लिटिल वियर्ड, बट जब भी आप च्युइंग गम खाते हैं आपका जो जॉ एरिया है इट इज़ काइंड ऑफ लाइक एक्सरसाइजिंग, बिकॉज आपका जो जॉ मसल्स हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं. और अगर आपके यहाँ पे फैट डिपॉजिट है तो ऑब्वियसली अगर आप किसी स्पेसिफिक जगह की एक्सरसाइज कर रहे हैं और वहाँ पे फैट है तो इट विल स्टार्ट बर्निंग आउट एंड वहाँ पे आपको मसल ज़्यादा दिखने लगेगा रादर देन फैट. सो ईट च्युइंग गम, एंड इफ़ यू आर नॉट अ पर्सन हु कैन ईट च्युइंग गम लाइक समटाइम आई हैव कैपिंग इन माई टीथ, सो इट्स नॉट एडवाइसेबल फॉर मी टू हैव च्युइंग गम्स बिकॉज वो स्टिक हो जाती हैं. सो इन दैट केस आप इलायची खा सकते हैं जो कि आपके मुँह में ज़्यादा देर रहे, तो आप यू कैन जस्ट यू नो च्यू थिंग्स मोर, सो यू कैन डू दैट. सो या chewing gum is a very very effective thing. Third point is
and again it's like a facial exercise, but they are some specific exercise, not just chewing gum. What you can do, you can just put your neck up and you can just make your mouth like इस तरह से आप बनाइए. इससे क्या होगा, आपके जो गले की स्ट्रेच है, गला स्ट्रेच होगा आपकी. स्पेशली अगर इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डबल चिन, इट विल हेल्प अ लॉट. इवन दिस एक्सरसाइज हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव थायराइड प्रॉब्लम, बिकॉज वी हैव थायराइड ग्लैंड हियर. तो एक तरह की आपकी ग्लैंड की एक्सरसाइज भी हो रही है. सो जस्ट यू जस्ट हैव टू डू, एक पाउट बनाइए ऊपर की तरफ. आई जस्ट शो यू, यू कैन डू दिस एंड इट विल स्ट्रेच योर होल नेक एरिया, विच विल रियली हेल्प यू टू लूज योर डबल चिन. So yeah, you can do that. Now the fourth point, जो आपको शायद ही कोई बताता होगा. Yes, because I'm a nutritionist, I'll definitely tell you about this. Cut down your sugars. Yes, बहुत फर्क पड़ेगा. आप try करके देख लीजिए. आपने sugars जो especially जो आपकी refined sugars आप लेते हैं, refined carbohydrates लेते हैं, वो आप अपना cut down कर लीजिए. जैसे कि नींबू पानी में आप चीनी डाल के पी रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट. इंस्टेड यू कैन हैव हनी. तो अब मतलब हनी भी एक तरह से मीठे में ही आ जाता है, बट इट्स स्टिल बेटर देन शुगर. आई वोंट से हनी इज़ लाइक टोटली फाइन, बट इट्स स्टिल बेटर देन शुगर. सो आप शुगर कट डाउन कीजिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कट डाउन योर सॉल्ट इनटेक. यस, यू शुड कट डाउन योर सोडियम इनटेक, बिकॉज सोडियम इज़ द वन विच results in water retention. अगर आपको belly में भी water retention होती है, उस वजह से आपका pouch दिखता है, या फिर face में water retention होती है, आपको feel होता है कि there is a water retention, because कभी आपका face फूला हुआ लगता है, कभी normal लगता है, that means आपको water retention है. तो उस case में please अपनी जो sodium intake है उसे कम कर लीजिए, या फिर अपना sodium intake balance कीजिए. balance कैसे करना है, try to take foods which are rich in potassium, because अगर आप sodium intake ज़्यादा ले रहे हैं तो potassium obviously you need more to balance out the things. So potassium में जो rich हैं चीज़ें वो हैं banana. I know if you're losing weight, बहुत से लोग आपको कहते हैं कि banana no no no, but as a nutritionist I would say instead, there's a saying, have an apple a day keeps a doctor away, but I will say having a banana a day keeps the doctors away. Yes, banana is much better fruit, I would say, to have, because it's rich in carbohydrates, it's rich in potassium, it's a very very good fruit. And agar aap is banana ka prayog subah uthte hi karein, like half a banana or one banana, you'll be good to go. It's a very very healthy fruit and it's one of my favorite fruit. So yeah, so these were some tips ki aap फेस फैट कैसे कम कर सकते हैं. सो प्लीज़ ट्राई, एंड आई होप ये आपके लिए काम करें. हम देख सकते हैं थंबनेल में, आई जस्ट पुट अ पिक्चर हियर एज वेल. जो बिफोर पिक्चर है दैट इज़ लाइक फ्रॉम 2009, व्हेन आई वाज लाइक एट द हाईएस्ट वेट ऑफ माय होल लाइफ. एंड दिस इज़ द अदर पिक्चर, आफ्टर पिक्चर इज़ रिसेंटली, लाइक इट्स अ वेरी रिसेंट पिक्चर ऑफ दिस ईयर ओनली. सो जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है, शायद आपने मुझे इतना मोटा कभी देखा नहीं होगा, बिकॉज आई स्टार्टेड लूजिंग माई वेट lot earlier when I was a nutrition student, and after that I started my channel. So I have a lot of pictures, and I in total I lost 11 kgs that time. At that time I lost 13 kgs, but then I was, you know, I gained 2 kgs. I was like 60 that time, and I lost 13 kgs. I went to 47, jo ki lowest BMI se ekdam thoda sa hi upar tha according to my height. So that was not stable weight for my height or for me. So mera bahut der tak 49 pe constant rahi, gained 2 kgs back, because wo bounce back ho gaya, because that was not stable one. So I was 49 for a very long period, and right now I'm 50. Yes, I'm 50, like, and I think I'm very very I'm in very much healthy weight right now, and I'm perfectly fine with my body right now. I still feel that I need to, you know, tone myself up, but I'm very much in my good BMI, so I'm very very happy with that. So that was a little tips and tricks what you can do to lose your face fat. Aur meri NutriFit series mein maine kuch videos aur kiye hain ki how to lose weight, there are tips and tricks. So I will be linking those videos in the description box, go and check it out. Aur yahan pe ek eye hai, aap wo click kar sakte hain, aapko wo videos mil jayengi. And yeah, that's it for this video. I hope ye video aapke liye helpful hogi. And agar aap mere channel pe naye hain aur is tarah ki aur videos dekhna chahte hain, to please mujhe subscribe kijiye, aur mujhe comment section mein zarur likh kar bhejiye ki आप किस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, और किन किन टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं. या दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड
I will see you guys in my next video. Till then, stay beautiful and stay healthy. Bye-bye.